दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला SSC प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होना है चरणों का, उसका लेवल किस तरह का रहेगा, मतलब पेपर कैसा आएगा। देखिए 2020 और 2021 इन दोनों के एग्ज़ाम को लेवल को अगर हम देखें तो 2020 में बहुत कम वैकेंसी थी, करीब करीब 400 के पास थी। 2020 मतलब जो 2019 का एग्ज़ाम था वो 2020 में हुआ था, तो इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था। 2021 की बात करते हैं, यानी कि 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 2021 में हुआ था, यानी पिछले साल नवंबर में, तो उसका लेवल 2020 में जो पेपर हुआ था उससे हल्का था, क्योंकि तो वैकेंसी 800 के आसपास थी। हालांकि बाद में वैकेंसी कम हो गई, वो एक अलग बात है, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो वो इजीली मॉडरेट ही था पेपर पिछले साल का। तो इस साल क्या हो रहा है, वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। अभी तक तो जितना पता चला है वो 2143 वैकेंसी के हैं, लेकिन अगर हम सीजल की बात करें, पहले 25,000 दी थी, फिर बढ़ा करके 38,000 कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस चैनों में भी करीब करीब 3,000 के आसपास वैकेंसी पहुंच जाएंगी। 2500 से 3,000 तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा मुझे भी लग रहा है और अदर लोगों को भी लग रहा है जो लोग इस लॉजिक को देख रहे हैं कि सीजन में बढ़ाई है, जीडी में इतनी वैकेंसी दी है, तो कहीं ना कहीं स्टेनो में भी आएगी, और 2,000 प्लस तो ऑलरेडी है ही, प्लस 2500 से 3,000 भी आएगी। तो अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा पिछले साल से भी हल्का रहने वाला है। ये मैं पिछले 3 से 4 साल को देख के आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी के अकॉर्डिंग शायद ये पेपर बना रहे हैं। 2019 में बहुत कम थी, 2020 में से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा और हल्का किया, और इस साल शायद लेवल और भी हल्का रहेगा पिछले साल से। लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा। SSC है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं पेपर का लेवल हल्का होगा। तो जो लोग भी मॉक में 130 140 स्कोर कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम में 140 के ऊपर स्कोर कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, 2020 और 2021 में जो पेपर हुए हैं पिछले साल के, उन सबको लगा लो, उनका एनालिसिस कर लो, ये देख लो क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। 2020 में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, वैसे ही क्वेश्चन 2021 में भी आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि 2022 में भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। पेपर जरूर लगा लेना, उसका एनालिसिस कर लेना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेना। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग एग्ज़ाम लेवल कैसा हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मुझे इंस्टा से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा आईडी भी मैंने देख रखी हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ पर जुड़ करके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।